हमारा यूनिवर्स स्टार्स भरा हुआ है। स्टार्स बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में, जिसमें से कुछ हमारे सन से लाखों गुना मैसिव होते हैं और कुछ सन के आधे मास के होते हैं। हमारा सन एक मीडियम साइज का स्टार है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट है। स्टार्स के अंदर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन और हीलियम को फ्यूज करके नए हैवी एलिमेंट्स में कन्वर्ट करती है और एनर्जी रिलीज करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टार्स कैसे बनते हैं और क्या होता है इनके बनने के बाद। स्टार्स नेबुलस बने होते हैं। नेबुला डस्ट और गैस क्लाउड होता है जो कि पुराने स्टार्स के मरने से बनता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा होती है। एक नेबुला से एक बार में हजारों स्टार्स बनते हैं जिनको हम लोग बाद में स्टार क्लस्टर कहते हैं। कोई भी स्टार बहुत ही डेंस और कोल्ड नेबुलस बना होता है। स्टार्स के बनने की प्रोसेस इन नेबुला के डिस्टर्ब होने से शुरू होती है। जब कोई नेबुला किसी दूसरे नेबुला से टकरा जाता है या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आई हुई शॉक वेव से डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये नेबुला अनस्टेबल हो जाता है और अलग अलग साइज और मास के फ्रेगमेंट में टूट जाता है, जिसमें से मैसिव और डेंसर फ्रेगमेंट अपनी ही ग्रेविटी की वजह से अंदर की तरफ पुल होने लगता है, जिससे प्रोटोस्टार बनता है। इन क्लाउड्स में ग्रेविटी सारा मटेरियल को इनके कोर में पुल करती रहती है, जिससे डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर बिल्ड हो जाता है। और जैसे जैसे इनका मास इंक्रीज होता है, वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर भी इंक्रीज होता है और प्रोटोस्टार डेवलप हो जाता है। और सेंटर में ज़्यादा मास होने की वजह से ये ग्रेविटेशनल पुल बना लेते हैं और स्पिन करना शुरू कर देते हैं और एक ज़बरदस्त विंड चलने लगती है और इनका सेंटर से गैस के जेट्स निकलने लगते हैं। और ये प्रोटोस्टार ग्रेविटी की फोर्स की वजह से हॉट और डेंस हो जाते हैं, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाती है और स्टार ग्लो करना शुरू कर देता है। और इन गैस क्लाउड से बचा हुआ मटेरियल बाद में ठंडा होकर प्लैनेट, डॉर्फ प्लैनेट, एस्ट्रॉइड एक्सेट्रा बन जाता है। और अब ये स्टार मेन सीक्वेंस स्टार बन जाता है। स्टार्स के अंदर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के पर सेकंड फटने के इक्वल होती है, जो कि स्टार्स की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से बैलेंस और स्टेबल रहती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन एनर्जी को हम अपनी आने वाले वीडियो में। किसी भी स्टार के मरने के चार रास्ते होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कितना मैसिव है। कोई भी स्टार जो कि सन के आधे मास का है, वो धीरे धीरे अपना सारा फ्यूल बर्न कर लेगा और डिम होता जाएगा और एक ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका साइज सिर्फ अर्थ के जितना होता है। और कोई स्टार जो कि सन के जैसा है या फिर सन के 8 टाइम्स तक है, वो अपना सारा हाइड्रोजन फ्यूल यूज कर लेता है तो वो हीलियम को फ्यूज करने लगता है, मगर हीलियम भी ज़्यादा समय तक नहीं चलता है और ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन का बैलेंस खराब हो जाता है और स्टार हॉट और एक्सपेंड होने लगता है। और ये स्टार इस वक्त इतना ग्लो करने लगता है कि जिसको हम करोड़ों लाइट ईयर दूर से देख सकते हैं, जिसे रेड जायंट कहते हैं। ज़्यादा एक्सपेंड होने की वजह से स्टार की आउटर लेयर डिसअपीयर हो जाती है और प्लैनेटरी नेब्यूला बन जाता है। और ये स्टार वाइट ड्वार्फ बन जाता है, जो कि धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और एक अर्थ साइज का ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। और जो स्टार सन के 8 टाइम्स मास के होते हैं, वो ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से ना सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को फ्यूज करते हैं, बल्कि इनके कोर में प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये और हैवी एलिमेंट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को तक फ्यूज करने लगते हैं। और ये स्टार एक्सपेंड होकर सबसे बड़े स्टार सुपर जायंट्स बन जाते हैं और पुशिंग फोर्स ऑफ फ्यूजन और पुलिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच का बैलेंस खराब हो जाता है और कोर में आयरन बनने की वजह से पुशिंग फोर्स ऑफ फ्यूजन कम हो जाता है और ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से स्टार कोलैप हो जाता है, जिससे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारे यूनिवर्स के सबसे भयानक एक्सप्लोजन में से एक होते हैं, जो कि हमारे सन से मिलियंस ऑफ टाइम्स ब्राइटर होते हैं, मगर मैसिव कोर ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से कोलैप होता रहता है। और अब इनके अंदर क्या होगा, ये इनके मास के ऊपर डिपेंड करता है। एक कम मैसिव कोर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, जो कि बहुत ही डेंस होता है। ये सन से दो गुना मैसिव होता है और साइज में कुछ, और अगर कोर ज़्यादा मैसिव होता है तो वो कोलैप होता रहता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं आ पाती है। ऐसी और साइंस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस तुरंत पाने के लिए बेल आइकन हिट कर दें। जय हिंद।